संगठन को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर भाजपा की प्रदेश में 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का आज आखिरी दिन। केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आरा में जलवायु परिवर्तन और वन क्षेत्रों के प्रभाव विशेष पर बल दिया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां की आज 14वीं पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में किसानों के लिए अलग से ऐप बनाने में जुटा सहकारिता विभाग, अब तरकारी ऐप पर सब्जी बेच सकेंगे राज्य के किसान। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, प्रदेश में अब 22 घंटे के बदले 24 घंटे बिजली देने की तैयारी, इसके लिए सरकार ने 3,03,000 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान छठी बार हाजीपुर में लोजपा सांसद चिराग पासवान ने किया रोड शो, बैंड बाजे के साथ कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड के 47 साल बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की दोबारा से जांच कराने पर विचार करने का निर्देश दिया है। पटना मेट्रो का डिपो बनाने के लिए 75 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मिली मंजूरी, नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर पटना जिला प्रशासन ने लगाई मुहर। पटना में कोरोना टीकाकरण में एक बार फिर बड़े शहरों को पछाड़ दिया है, सर्वाधिक टीका करने वाले शहरों में पटना देश में 10वें स्थान पर है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।